Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को यूपी विधानसभा में तिलक भवन में भी सुबह 10 बजे मतदान शुरू हो गया है। इस चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जबरदस्त तरीके का चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आज वोटिंग के दौरान यूपी के माननीय मतदान करेंगे। बीजेपी ने जिस तरह से जो है विपक्ष में सेंधमारी की है, उससे द्रौपदी मुर्मू के पाले में 78% से अधिक वोट जाता दिख रहा है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और सहदेव भारतीय समाज पार्टी को क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा है। दरअसल सपा के सहयोगी सुभाषपा ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। सुभाषपा के 6 विधायक हैं। उधर यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया है कि ओम प्रकाश राजभर के 3 विधायक जो हैं वो उनके ही साथ हैं। कहा जा रहा है कि बस्ती के महादेवा से सुभाषपा के विधायक दूधराम, जौनपुर की जफराबाद सीट से विधायक जगदीश नारायण और मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद है कि सभी विधायक उनके साथ हैं और वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने रविवार को पार्टी विधायकों को एकजुट करने के लिए डिनर का आयोजन किया, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दावा है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 80% से अधिक वोट मिलेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से 80 सांसद और 403 विधायक हैं जो आज वोट करेंगे। एक सांसद की वोट की वैल्यू 700 है, जबकि एक विधायक की वैल्यू 208 है। इस लिहाज से यूपी के सांसदों के वोट का कुल मूल्य 56,000 है, जबकि विधायकों के मत का कुल मूल्य 83,824 है। इस तरह यूपी के सांसदों और विधायकों के मतों का कुल मत 1,39,824 है। जब बसपा के समर्थन के बाद बीजेपी के पास 76 सांसदों का समर्थन है। दूसरी तरफ सुभाषपा, जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव का समर्थन मिलने से बीजेपी के पास 10 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 1.10 लाख से अधिक मत मिल सकता है, जिससे कि उनकी जीत हो सकती है। क्या देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो सुभाषपा के 3 विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करके अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.